जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ, तो आपको बता दूं इस वक्त हूं अखनूर की ऐतिहासिक पांडव गुफा में। यहां पे जो शिवलिंग आप लोगों के सामने विराजमान है, ये वही शिवलिंग है जिसकी पूजा आराधना पांडवों ने की थी कौरवों के साथ युद्ध लड़ने से पहले, और इसी शिवलिंग से भगवान शिव से आशीर्वाद पाया था जीत का। तो इस गुफा के अंदर, हमारी ये ऐतिहासिक पांडव गुफा के अंदर, ये देखिए, तो ये सांप जो है यहाँ पे घुसाया है। ये वन सुंदरी के नाम से इस सांप को जाना जाता है। यहाँ पे कुछ लाइट पड़ रही है, ये देखिए, ये देखिए। हालांकि ये सांप जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां वो अपने आप को छुपा पाए। तो इस सांप ने अपने आप को यहाँ पे लपेट लिया है। ये देखिए, बल्ब होल्डर के साथ ही सामने अपने आप को लपेट लिया है। तो देखते हैं ये यहाँ से मूव करता है, तो अब हम इसको यहाँ से आराम से यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये है दान पात्र के पीछे एक सुराख सा है, और इस सांप ने कोशिश की है कि वे दान पात्र के बीच में घुसे। तो अब यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हालांकि सांप ने भी जगह ढूंढी थी कि कहीं ना कहीं इसको सुराग मिल जाए, और ये यहाँ से घुस पाए कहीं ना कहीं अपने आप को, हमारी इंसान की नजर से ओझल अपने आप को कर। इंसान को डराने की कोशिश करता है। तो मरे पर इसको फरी होकर हम भी ढूंढा रहा है ना। तो रहो मेरे अंदर ना बेटी, मारे किस तरह से इस सांप ने मेरे हाथ को जकड़ लिया। तो अब हम इसको यहाँ से बोलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से ये सांप हमला करने की कोशिश करता है और किस तरह से इंसान को डराने की कोशिश ये सांप, जैसे मैंने कि आपको दिखाया कि हवा में सिर उठाकर इंसान को डराने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं एक खौफ जो है वो फैलाने की कोशिश करता है। देखिए, हमारे रीजन में ये सांप, हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में काफी इन सांपों की भरमार है, पर साउथ इंडिया में ये सांप बहुत कम है। तो देखिए तो कहीं ना कहीं ये सांप काटता बहुत जोर से, तो अब हम इसको रेस्क्यू करते हैं। ये देखो देखो ऊपर ले रब, एक मिनट भैया, हाँ बस। तो देखिए, इस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो हमारे लिए जरूरी है कि सांप कहीं घायल ना हो। घायल होने के बाद सांप के जिंदा रहने का कोई उचित नहीं रहता, तो जीव जो होते हैं वो इस सांप को मार जाते हैं। तो ये देखिए, आप लोगों को भी इस सांप की पहचान करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं अपने मन से इन सांपों के रिगार्डिंग जो खौफ है, जो डर है, उसे बाहर निकालने की जरूरत है। मैं तो यहाँ बाहर था, कुछ यात्रु आए थे अंदर दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि पंडित जी अंदर सांप है। तो मैंने यह सांप देखा, तो ये दीवार के साथ था, तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो हो सकता है कहीं मूर्ति के आगे पीछे घुस जाए, तो इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया। तो ये पूजा में व्यस्त थे, कहने लगे 10 मिनट लगेंगे। मैंने कहा चलो, तब तक मैं इनके देखता हूँ कि कहाँ जाते हैं ये। ये जब तक ढूंढ रहे थे कि कोई सुराख मिल जाए जहाँ से छुप जाए। देखिए, अगर तब ये दान पात्र के बीच में छुपने ही वाले थे तो भैया ने निकाल लिया बड़ी मुश्किल से, तो अभी काबू में हो गए। देखिए, धन्यवाद पंडित जी का,
कि आपने इसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए इसे पर्यावरण प्रेमी जीव की जान बचाई है, तो हमारा कर्तव्य है इन पर्यावरण प्रेमी जीवों को बचाना, क्योंकि परमात्मा द्वारा बनाया गया हर एक जीव उसकी एक अलग अहमियत जो है वो इस धरती पर है, तो इन सांपों के भी एक अलग अहमियत। तो देखिए संदेश वही है, अपने अपने घरों में साफ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें, बच्चों को अवेयर करें, और अगर कोई मिसहैपनिंग सांप के काटने से हो जाती है तो आप लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। हालांकि ये जहरीला नहीं है, बट जहरीले सांपों के लिए एंटीवेनम ही एकमात्र इलाज है। तो धन्यवाद ही हूँ एक बार फिर पंडित जी का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बड़े तेज मतलब बड़े तेज तरीके से रात चुकी है ना, तो उसको कोई क्रोध आई है, मैं भी यही चाहता कि ये तेज होके बाहर निकल जाए, तो किसी का इतने नुकसान नहीं किया तो हम भी इनका नुकसान क्यों करें। धन्यवाद हूँ पंडित जी आपके शब्दों के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आगे लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।